टू माय चैनल स्टाइल विद कनिका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आप लोगों के साथ एक और मैं DIY फेस मास्क लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं नहीं कोई वीडियोस डाल रही थी DIY पे। तो आज फाइनली बहुत दिन मैंने अप्लाई किया है उसको अपने फेस पे, और उसके बाद रिज़ल्ट मुझे मिला है, तब जाके मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये रेमेडी आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगेगी और आपको इफ़ेक्ट देगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसे ही और वीडियोस और रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो फ्लैक्सीड है। फ्लैक्सीड हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देती है। जैसे कि आप सभी को पता है, फ्लैक्सीड जेल जो होता है हमारे फेस का टाइटनिंग का काम करता है। और तो इसी के बेस पे मैंने आज फ्लैक्सीड और राइस को मिक्स करके एक फेस पैक बनाया है, जो बहुत ही अच्छे इंडियन टोन पे इफ़ेक्ट देता है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में आ जाएंगे, मगर मैंने इसको 10-15 दिन मैंने लगाया अपने फेस पे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं मैंने अभी कोई भी रेमेडी आपके साथ शेयर नहीं की थी। मैंने बहुत दिन अप्लाई किया है तो मेरे फेस में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। जिनके भी फेस में झुर्रियाँ पिगमेंटेशन हो रहे हैं वो सब ये लगा, ये फेस पैक उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और फेस को टाइट करेगा, ब्राइटनिंग फेस करेगा। राइस और फ्लैक्सीड आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैसे मैं इसको बनाती हूँ या तो आपने देखा कि मैंने फेस पैक कैसे बनाया है। तो ये फेस पैक है, ये फेस पैक बनाने के बाद थोड़ा सा लिक्विड ही रहता है, फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, बैठ जाएगा। थोड़ा सा आप लेट जाएंगे लगा के, 10-15 मिनट इसको अपने फेस में लगा के छोड़ देना, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। तो ये मैं आपके सामने लगा के दिखाऊंगी और रिज़ल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, और इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, फेस में शाइन बढ़ाएगा। और ये कोरियन स्किन ग्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कोरियन लोग इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं भी उन्हीं से इंस्पायर्ड होके मैंने ये फेस पैक बनाया है और मैं इसको लगाई हूँ 10-15 दिन, और उसके बाद मैं आपके साथ ये फेस पैक शेयर कर रही हूँ। चलिए लगाते हैं। लगाने से पहले अपने फेस को पूरा क्लीन कर ले और पूरे बाल को अच्छे से बांध ले। तो मैंने पैक लगा लिया है, ये पैक मैंने लगा दिया है। अच्छे से आपको भी फेस पे लगा लेना है और 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए फेस पे। ऐसे ही देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छे तरीके से पैक लगा लिया है। मिनट बाद आप अपने फेस में अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। ये जल्दी सूखता नहीं, ड्राई नहीं होता फेस पे। और मसाज करने के बाद फेस वॉश कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा फेस ऑफ हो गया है, बहुत
बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिए, एक बार नहीं हफ्ते में दो तीन बार जरूर ट्राई करिए, क्योंकि एक बार में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। किसी भी चीज़ को यूज़ करने के बाद ही मतलब 3-4 हफ्ते यूज़ करिए, अच्छे से आपको अच्छे से रिजल्ट आएगा। ऐसे फर्स्ट टाइम आप यूज़ करिए, आपको इसमें अपना अंदर खुद ही पता चलेगा कि सच में कुछ ना कुछ है, बहुत अच्छा होगा। सो गाइज, आपने देखा फेस पैक कितना ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने 10-15 दिन इसको यूज़ किया, उसके बाद आपके शेयर किया, मैंने पहले भी आपको बोल चुका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, शाइन आ जाएगी आपके फेस पे, यू कैन सी। तो आप लोग इसको डेफिनेटली लगा सकते हैं, जिनकी स्किन लूज़ हो रही है, टाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि राइस और फ्लैक्सीड है, आपको पता ही है राइस और फ्लैक्सीड बहुत अच्छा होता है हम लोग के स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो इसीलिए मैंने ये DIY रेमेडी आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोग ने ये वीडियो को पसंद किया होगा और इफ़ेक्टिव लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और शेयर खूब सारे लोगों को करिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर करूँ। फेसबुक और इंस्टा में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।